इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SDMIMD मैसूर के बारे में। कैसा कॉलेज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मैसूर PGDM करने जाना चाहिए, सारे पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। And you're watching MBA with Arshikhan, जहां हम बात करते हैं MBA की। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SDMIMD मैसूर, जिसका फुल फॉर्म है श्री धर्मस्थला मंजू नाथेश्वरा इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नाम था राइट, क्योंकि देख के भी देखना पड़ रहा था कि यू नो आई लाइक प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली और नॉट राइट। तो ये कॉलेज का फुल फॉर्म है। उसके अलावा यू नो दिस कॉलेज हैज अ टाई अप विद TCS राइट, जो कि उनको कहीं ना कहीं अकेडमिक में सपोर्ट करती है स्टूडेंट्स को while the 2-year program, जैसे कि इसमें mention है, right, entered into 5-year agreement with TCS Ion for supplementary study for the entire PGDM students, right? इसमें यू नो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल इनपुट्स राइट, 5 सिलेक्ट कोर्सेज फॉलोड बाय इंटर्नशिप, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं TCS जो है वो हेल्प करती है। 1993 का ये कॉलेज है, 37% फीमेल है, 63% मेल है, AICT है, NBA का अक्रेडिटेशन है, अक्रेडिटेशन में ASCSB का है, ACBSP का है, EPAS का है, ये सारे अक्रेडिटेशन है। कई सारे एंट्रेंस एग्जाम ये एक्सेप्ट करता है और कई सारे PGDM प्रोग्राम भी ये कॉलेज कराता है। PGDM फाइनेंस मार्केटिंग सिस्टम HR एनालिटिक्स में कर सकते हो। उसमें अगर हम बात करें तो मिनिमम 50% इन योर ग्रेजुएशन होना चाहिए। देन कैट जैट GMAT CMAT एटमा मैट के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। ये 2 साल का प्रोग्राम है। देन उसके बाद PGCM कराता है, PGPSM कराता है, जो कि 1 साल के प्रोग्राम है। इसके लिए भी ग्रेजुएशन जो है वो रिक्वायर्ड है। अगर हम PGDM की बात करें तो उसकी ट्यूशन फीस है 11,40,000 एंड ये 2 इयर्स का। इसका इंटेक सिर्फ 180 स्टूडेंट्स का है। इसका इंटेक सिर्फ 180 स्टूडेंट का है। कैट जैट मैट CMAT एटमा GMAT के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। वेर एज अगर हम PG की बात करें, PGCM विच इज पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन मैनेजमेंट, ये 1 ईयर का प्रोग्राम है। 5,90,000 फीस स्ट्रक्चर है और ये सारे एंट्रेंस के बेसिस पे कहीं ना कहीं ये कॉलेज एडमिशन लेता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट फुल टाइम रेसिडेंशियल। इसकी ट्यूशन फीस है 5,96,000। 12 मंथ्स का प्रोग्राम है, 10 सीटें हैं और ये कहीं ना कहीं अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के बेसिस पे एडमिशन लेता है। तो ये 3 कोर्सेज है जो SDMIMD मैसूर कहीं ना कहीं ऑफर करता है। व्हेन यू आर गेटिंग इनटू दिस कॉलेज, एज सच कोई बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं है राइट। आप कम परसेंटाइल पे भी जा सकते हो। आपको इसके एप्लीकेशन फिल करना पड़ता है जो 250 के आसपास का रहता है। सेकेंडली यू नो आप जब इस कॉलेज को देख रहे हो तो मेरा एक पर्सनल सजेशन है दैट यू मस्ट हैव अदर कॉलेजेस इन योर लिस्ट आल्सो। तो आपको कई सारे पैरामीटर्स पर डिसाइड करना है। गोइंग मैसूर एज अ लोकेशन, विल दैट बी अ गुड ऑप्शन? व्हाट अदर बेटर ऑप्शंस यू हैव इंक्लूडिंग द सिटीज, द फीस, द एवरेज पैकेज एंड कहीं ना कहीं उन सभी ओवरऑल पैरामीटर के बेसिस पे ही आपको ये कॉलेज को फाइनली डिसाइड करना है। अगर कोई हेल्प चाहिए तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं राइट। देन उसके साथ साथ मूविंग टू द एडमिशन प्रोसेस अगेन राइट, आप कैट GMAT KMAT जैट इन सभी के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। आपको फॉर्म फिल करना है, देन यू विल गो फॉर इंटरव्यू एंड उस बेसिस पे एडमिशन होगा। कमिंग टू यू नो एप्लीकेशन, आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं राइट, शॉर्टलिस्टेड हैव टू अटेंड इंटरव्यू ऑफ द कॉलेज कैंपस। ड्यू टू कोविड ऑनलाइन भी हो सकता है, बट पहले कहीं ना कहीं कॉलेजेस में ऑन कैंपस इंटरव्यूज होते थे। प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें, कॉलेज क्लेम कर रहा है 7.7 का एवरेज, 9.5 का हाईएस्ट इन द ईयर 20। हो सकता है 21 में उन्होंने थोड़ा सा आधा किया हो, बट कॉलेज का एवरेज आप ही मान सकते हैं इसके आसपास का है राइट। जो क्लेम कर रहा है जो है थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है। प्रोफाइल्स में भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा आप किस प्रोफाइल में ले रहे हो। बिकॉज देखो होता क्या है, व्हेन यू गो फॉर MBA कॉलेज राइट, लेट्स से आपको चाहिए फाइनेंस, बट वो कॉलेज में आप देख रहे हो मार्केटिंग की कंपनी ज्यादा है या फिर आप मार्केटिंग के लिए जा रहे हो, पैकेज तो 7 लाख का है बट प्रोफाइल सेल्स है। तो होता क्या है, स्टूडेंट की प्रोफाइल, स्टूडेंट की नीड के हिसाब से कॉलेजेस शॉर्टलिस्टिंग वेरी करती है। एंड व्हेन यू गो फॉर MBA यू नेवर सर्च फॉर 1 ऑप्शन, यू सर्च फॉर 3-4 ऑप्शंस एंड देन उसमें से कहीं ना कहीं शॉर्टलिस्ट कर रहे होते हैं। और वो शॉर्टलिस्टिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जहां पे मुझे लगता है आपको ROI भी रखना चाहिए, आपको लोकेशन भी रखनी चाहिए, आपको यू नो बहुत सारी दूसरी चीजें भी रखनी चाहिए एंड देन कहीं ना कहीं फाइनलाइज करना चाहिए। टॉप रिक्रूटर्स अडानी, विल्मर, ओरेकल, ओयो रूम्स, डेलॉयट, मेडलाइफ, लॉरियल, टाटा हिटाची,
मोस्टली ये सारी कंपनीज हैं, और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये सारे फैसिलिटीज हैं जो ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस में होती है। क्लब्स की बात करें तो क्लब डेटा टेक है, क्लब सिलिकॉन है, डिबेट क्लब है, हूना एन एच आर क्लब है, फिनाकल क्लब है, मार्केटिंग क्लब है, टोस्ट मास्टर्स क्लब है, तो ये सारे क्लब है। अब मैं इसको फाइनली कंक्लूड करती हूँ। अगेन आई एम सेइंग यू नो इफ यू लुकिंग फॉर एसडीएम आईएमडी मैसूर नाम है राइट, कई बच्चे पूछते हैं, स्पेशली वहाँ के स्टूडेंट ज़्यादा इस कॉलेज को प्रेफर करते हैं राइट। अगर हम सेंट्रल से बात करें, हम यू नो नॉर्थ से बात करें, तो थोड़ा सा प्रेफरेंस कम रहता है वहाँ जाने का। बट अगर आपकी लिस्ट में ये प्रेफरेंस है तो प्लीज़ यू नो जस्ट डू अ फेयर कंपैरिजन इंक्लूडिंग एवरीथिंग्स, बिकॉज व्हेन यू टारगेट कॉलेजेस देयर आर फ्लक्चुएशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज पैकेज। अब 6 लाख का एवरेज पैकेज, दैट मींस कॉलेज में 3.5-4 लाख का भी एवरेज यू नो मिनिमम सैलरी आती है। अब उसमें अगर आप 11-12-13-14 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो और एंड ऑफ द डे अगर आपको 4 लाख का पैकेज मिलता है, मैंने कई सारे कॉलेजेस ऐसे भी देखे हैं जहां पे 18-18-17-17 लाख फीस है, देन द स्टूडेंट्स आर गेटिंग 4 लाख का पैकेज। सो होता क्या है कि आपको उस हिसाब से कहीं ना कहीं डिसीजन लेने हैं। आप हो सकता है बहुत सारी साइट्स पे जाओ, वहां पे जो रिव्यूज दिए हैं ये जरूरी नहीं है कि वो सही हो, बिकॉज मैंने तो जितनी भी साइट्स देखे यू ऑलवेज फाइंड पॉजिटिव रिव्यूज, यू नेवर फाइंड नेगेटिव रिव्यूज। कोरा पे रिव्यूज दिए होते हैं बट वो नेगेटिव रिव्यूज हमेशा एनोनिमस होते हैं, जिनका कोई आता पता नहीं है। टॉक टू स्टूडेंट्स ऑन लिंक्डइन, बट आजकल उसमें भी अपग्रेडेशन आ गया है कि कई सारे कॉलेज के ही लोगों ने स्टूडेंट्स के नाम पे प्रोफाइल बना दिए हैं, सो दैट यू नो दे कैन पुश स्टूडेंट्स। सो दैट व्हाट आई एम सेइंग, स्टिल द मोस्ट रिलायबल सोर्स इज लिंक्डइन, वेयर आप वो प्रोफाइल चेक कर सकते हो कितनी एक्टिव है, कैसी है, और उस बेसिस पे कहीं ना कहीं डिसाइड कर सकते हो। दिस वाज मी अर्शिका, साइन ऑफ, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।